परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास मंगलवार को एक दिवसीय दौरे पर अजमेर पहुंचे, जहां पर उन्होंने प्रेस वार्ता करके भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को झूठ का जनरेटर करार दिया। इस दौरान मंत्री खाचरियावास नोटबंदी, जीएसटी और बेरोजगारी सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर के भाजपा को घेरते हुए दिखाई दिए। प्रेस वार्ता में खाचरियावास ने प्रदेश सरकार के 100 दिन में हुए विकास कार्यों की जानकारी दी। 18,000 करोड़ के किसानों के जो कर्जे माफ हुए, उसमें 24 लाख किसान परिवारों को फायदा होगा। बुजुर्ग, विधवा और विकलांग पेंशन, वसुंधरा जी की सरकार 5 वर्ष तक रही, 1 रुपया नहीं बढ़ाया। हमने ही शुरू की थी कांग्रेस के शासन में, हमने ही वो पैसे बढ़ाए 500 से 750, 750 से 1000। और ये सारा मामला जो हमने बढ़ाया, इसके साथ 1,75,00,000 लोगों को 1 रुपये किलो में अनाज की घोषणा की। वॉर विडोज, जो शहीदों की बात करती है बीजेपी, आप सेकेंड वर्ल्ड वार के विधवाओं को, जो शहीदों की विधवाएं थी, उनको 4,000 रुपये मिलते थे। हमने आते उन 4,000 रुपये को 10,000 रुपये कर दिया। हमने मना किया था बीजेपी वालों को करने के लिए, वो कर देते। मैं खुद सैनिक कल्याण मंत्री हूँ, उनका 4,000 से जो मिलते थे, वो अब 10,000 रुपये मिलने शुरू हो गए। बड़ी बात, ये मिलने शुरू हो गए। जब इन्होंने बात कही ना 3,3500 रुपये की हमारे साथी ने, तो वो वैसे ही ये काम मिलने शुरू हो गए। और ये 3,3500 रुपये भी सरकार ने पूरा डिसीजन ले लिया, ये हमारे बेरोजगार साथियों के घरों पर पहुंचेंगे, हाथ में पहुंचेंगे। जो बेरोजगार है, जो हमारे इसमें आता है, उन सबको मिलेगा।